स्लीपिंग बून टीवी में मैं मनीषा आपके सामने लेकर आई हूँ फिल्म पंगा का क्विक फिल्म रिव्यू। दिल से देखे गए सपने अधूरे रह जाए तो उनकी कसक जिंदगी भर दिल में रहती है, लेकिन इन सपनों को पूरा करने का मौका मिले तो पंगा लेना जरूर चाहिए। ऐसी ही कहानी लेकर आई है कंगना रनौत। एक कबड्डी चैंपियन रह चुकी जया निगम यानी की एक्ट्रेस कंगना करती है रेलवे में नौकरी। अपने पति यानी कि जस्सी गिल और बेटे के साथ परिवार में उलझी इस खिलाड़ी को उसके सपनों को फिर से जिंदा करने का सबब मिलता है, लेकिन 32 साल की उम्र में किसी खिलाड़ी के मैदान पर वापसी आसान नहीं होती। नेशनल प्लेयर रह चुकी जया को बेटे आदि और पति प्रशांत कबड्डी में कमबैक करने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या इतना आसान होगा? अब जया कबड्डी चैंपियनशिप में सिलेक्ट होती है या नहीं, भारत को वो जीत दिला पाएगी या नहीं, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी होगी। अक्सर लोगों को लगता है कि महिला की शादी और बच्चा होने के बाद वो सपनों की दुनिया में कमबैक नहीं कर सकती, लेकिन ये फिल्म ऐसी ही सोच रखने वाले सभी लोगों के मुंह पर तमाचा मारती है। स्टाफ में आप एक सेकंड के लिए उबेंगे नहीं, वही सेकंड हाफ में जया के सपनों का सफर शुरू होगा जिसे वो पाना चाहती है। एक्टिंग की बात करें तो कंगना रनौत अपने दोनों किरदार यानी कि हाउसवाइफ और कबड्डी प्लेयर में बेहतरीन दिखाई दी। जितनी सादगी से उन्होंने एक हाउसवाइफ का किरदार निभाया है, उतनी ही दमदार वो कबड्डी प्लेयर के रूप में नजर आ रही है। जया के एक्सप्रेशन, उनकी सोच एक आम महिला की तरह ही दिखाई दे रही है। एक सपोर्टिंग पति के किरदार में एक्टर जस्सी गिल ने अपना बेहतरीन काम दिखाया है। वही जया के बेटे का किरदार निभा रहे यज्ञ ने तो दिल ही जीत लिया है। कंगना की दोस्त का किरदार निभा रही ऋचा चड्ढा ने अपने किरदार को बखूबी निभाया, तो वही नीना गुप्ता एक टिपिकल माँ के किरदार में परफेक्ट दिख रही है। डायरेक्शन की बात करें तो नील बटे सन्नाटा बरेली की बर्फी के बाद अश्वनी अय्यर तिवारी लेकर आई है फिल्म पंगा। आमतौर पर पंगा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में लड़ाई झगड़े का सीन आता है, लेकिन अश्विनी ने इसे अलग रूप में दर्शकों के सामने लाने की कोशिश की है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुई है। ओवरऑल फिल्म की बात करें तो पंगा में जज्बात तो है, कहानी इमोशनल भी कर जाती है, लेकिन कई बार इसे देखने पर दंगल और मैरी कॉम की याद आ जाएगी। ऐसे में तुलना होना तो लाजमी है, वही पंगा मात खा जाएगी। देखा जाए तो फिल्म पंगा सिंपल सी कहानी है, इसमें गानों की सबसे बड़ी कमी है। ऐसा नहीं कि तड़कते भड़कते गाने फिल्म में जरूरी है, लेकिन कोई यादगार गाना सच्चे जज्बात को बयां करता हुआ भी नहीं दिखाई देगा। पंगा हर उस महिला की कहानी है जो भले ही आम हो, गुमनाम हो, मगर खुद को खास समझने का जज्बा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जिंदगी मौका दे तो एक बार पंगा जरूर लेना चाहिए। ऐसे में पीपिंग मून फिल्म पंगा को देते हैं 3.5 मून्स। खुशबू शर्मा के रिव्यू के साथ मैं मनीषा आपके सामने फिर से हाजिर रहूंगी एक नए क्विक फिल्म रिव्यू के साथ। कल ऐसे ही क्विक फिल्म रिव्यू के लिए लॉगिन करें peepingmoon.com।